फैसलाबाद वजीर ममलकत ब्राय इतलातों नशरियात ने मार्केट कमेटी डिजकॉर्ट रोड फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की। मोहम्मद अली डीसी फैसलाबाद भी हमरा, आए जानते हैं मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जी हाँ, वजीर ममलकत इतलात नशरियात फरख हबीब ने मार्केट कमेटी डिजकॉर्ट रोड फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की। मोहम्मद अली डीसी फैसलाबाद भी साथ मौजूद, उमर मकबूल असिस्टेंट कमिश्नर सदर फैसलाबाद भी साथ मौजूद, सैयद अयूब बुखारी असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद भी साथ। 7 अरब रुपए की सब्सिडी दी है रमज़ान बाजार में। हुकूमत पाकिस्तान ने, ताजर बरदरी ने हमेशा की तरह इस दफा भी खास तावन किया है। महंगाई का बेजा शोर अपोजिशन की तरफ से है, अब चीज़ों की कीमतें नीचे आ रही हैं। प्याज 25 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है, चीनी सस्ते रमज़ान बाजार में 65 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। बास जगहों पर रश है लेकिन सप्लाई बराबर जा रही है, सबको रिलीफ मिल रहा है। बलावल बताए कि वजीर आला सिंध ने मार्केट कितने विजिट किए हैं, सिंध की आवाम को रिलीफ दें, लोगों की गुरबत ख़त्म करने की तरफ तवज्जा दे। रात के अंधेरे में शहबाज शरीफ ने मुल्क से फरार होने की कोशिश की, जब इक्तदार में होते हैं तो मुल्क से बाहर नहीं जाते, बाद में बाहर भागते हैं, ये चोर हैं, इनका एहतसाब होगा। FIA के हमले ने एयरपोर्ट पर रोक लिया, इमरान खान किसी को NRO नहीं देगा, इमरान खान पीछे हट जाएं तो ये लुडियां डालते फिरेंगे। इमरान खान का दौरा सऊदी अरब से ताल्लुकात में मजबूती आएगी, इस्लामोफोबिया का इमरान खान ने रियासती लेवल पर बेड़ा उठाया है। 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं, ऐसी आज़ादी अजहार राय की इजाज़त नहीं होगी। हमारे ज़रई सेक्टर साबक हुकूमतों की वजह से तवज्जा का मरकज़ नहीं रहा, मौजूदा हुकूमत 500 अरब रुपए गंदम में किसानों को सब्सिडी दे रही है, किसान कार्ड का इजरा किया है, ज़रई औजार को कामयाब नौजवान प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा रहा है। कोविड जानलेवा वबा है, लिहाजा SOPs का ख्याल रखें, मास्क पहने।